Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग डिसम्बर लव टैरो रीडिंग्स फॉर ऑल द जोडियक साइन. सो आपको हर राशि के बारे में अलग अलग वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी ऑन माय यूट्यूब चैनल. इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डेली टैरो रीडिंग पोस्ट करती हूँ. साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों ही की लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ से. इसी के साथ साथ बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम आपकी रीडिंग मून साइन के बेसिस पे देखें या सन साइन के बेसिस पे देखें. जनरली जितनी भी मेरी टैरो रीडिंग्स अपलोड होती हैं वो सारी बेस्ड होती हैं ऑन दी वेस्टर्न जोडियक एस्ट्रोलॉजी, जिसका मतलब है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ से जो राशि आती है उसके बेसिस पर होती है. बट इसी के अलावा आप अपनी मेरे वीडियोस आप एज पर मून साइन, सन साइन या आप जिससे भी ज़्यादा फील करते हो कि मैं ये राशि का हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है, या मैं अपने आप को लिब्रा मानता हूँ, मैं अपने आप को यू नो स्कॉर्पियन मानता हूँ, आप जिससे भी आपको पता हो कि आप किससे ज़्यादा रिलेट करते हैं, कौन सी राशि मोस्टली आपके साथ ज़्यादा रिलेट होती है, आप उसके बेसिस पर भी मेरी रीडिंग्स देख सकते हैं. इवन दैट विल हेल्प यू इक्वली द बेटर वेज. सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये राशि से देखें या ये राशि से. मैंने अपना फॉर्मेट आपको बता दिया है, उसके अलावा आप अपने फॉर्मेट से भी मेरी राशि वाले वीडियोस देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडियक साइन. हेलो लिब्रा, सो ये रीडिंग आपके लिए है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप. सबसे पहली चीज़ कि आप कैसा फील करेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्या आपकी फीलिंग्स होंगी इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स. सो आपके लिए जो कार्ड आया दैट इज़ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सबसे पहली चीज़ लिब्रास में कहना चाहूँगी, ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है. मे बी अ रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजरा है, मे बी आपने कुछ शॉकिंग एक्सपीरियंस किया है, समथिंग यू फील. मोस्ट ऑफ द लिब्रास आई फील कि उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे हैं या ऑलमोस्ट एक रिलेशनशिप एंड हुआ है, तो सम काइंड ऑफ बहुत ही एंडिंग फेज से यू नो ब्रेकअप फेज से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं लिब्रास. सो मोस्ट ऑफ द लिब्रास, ऑफकोर्स सब लिब्रास को मैं ये नहीं कहूँगी, बट मोस्ट ऑफ द लिब्रास ऑलरेडी ये पेन से या ये फ्रस्ट्रेशन या एक एंडिंग वाली फीलिंग से गुजर रहे हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि मे बी थिंग्स विल नॉट वर्क आउट, और उस चीज़ का स्ट्रगल एंड प्रेशर कार्ड्स में दिखता है. सो लिब्रास ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, वरिड हैं एट दिस टाइम. सो लिब्रास की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल इस वक्त में दिख रही है. सो आप मुझे बताइएगा कि कितने लिब्रास से कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्या सिचुएशन है. नॉट ऑल द लिब्रास मैं कहूँगी कि इतने डीपली, अगर इतना इंटेंसिटी नहीं है तो वो इंटेंसिटी कम हो सकती है, बट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं लिब्रास पर्सनली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि दे आर सफरिंग इन द रिलेशनशिप. अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द लिब्रास आई फील कि कहीं ना कहीं पास से इन द मंथ ऑफ दिसंबर के आते हैं तो वो एक्सपीरियंस करें कि नो मे बी रिलेशनशिप इज़ अबाउट टू एंड, वर्कआउट नहीं कर पाएगा. सो लॉट ऑफ एंडिंग्स वाली फीलिंग उनके मन में है बिकॉज इट इज़ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. टैरो में 10 मीन्स द एंडिंग्स, द एंड नंबर सबसे ज़्यादा इंडिकेट करता है. सो आई सी ऑल दीज एनर्जीज फॉर यू लिब्रास. अब इसका कारण, इसकी वजह आगे क्या होता है, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. आपके पार्टनर की अगर बात करें तो जितने आप, पहली चीज़ तो अगर ये सिचुएशन है तो जितना आप स्ट्रेस में हैं इस वक्त में उतने आपके पार्टनर इतनी चिंता में नहीं हैं. आपके पार्टनर को शायद लग रहा हो कि जो उन्होंने किया है वो सही किया है, या जो भी वजह है वो इस सिचुएशन को थोड़ा आपसे बेहतर हैंडल कर रहे हैं, थोड़ा स्टेबल हैं, थोड़े ज़्यादा वो अच्छी चीज़ अच्छे से उसको निभा रहे हैं. जितना आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, उतना वो नहीं हो रहे हैं. अब इसकी वजह ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में भी दिल से चाहते हैं आपके पास वापस आने के लिए, मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है. बट सम हाउ मोस्ट ऑफ द लिब्रास माइट सी योर एक्सपीरियंस कि कहीं ना कहीं आप बहुत कोशिश करो उनसे बात करने की, बट आपके पार्टनर यू नो थोड़ा सा यू नो दिखा रहे हैं कि उन्हें शायद आपको उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, यू नो वो इंडिपेंडेंट है. अगर दिस रिलेशनशिप डजेंट वर्क आउट ऑल्सो तो वो नीड नहीं दिखा रहे, मतलब आप उनके एक नीड नहीं हो इस वक्त में, वो अच्छे से यू नो एक डिस्टेंस मेंटेन करके आपसे दूर हो रहे हैं. तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करी, व्हाट आई कैन सी इन दिस रीडिंग फॉर यू लिब्रास. तो ये दिसंबर में पहली चीज़ तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एनर्जीज दिख रही हैं, अगर दिस इज़ हैपनिंग. सो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वॉट इज़ हैपनिंग.
अब वहीं पर मैं सीधा का सीधा सिचुएशन कार्ड देखती हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी एक चीज़ बहुत हाईलाइट होती है, सम ऑफ द लिब्रास माइट सी कि ये जो वजह हो रही है कि इतना डिस्टेंस हो रहा है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते, जो भी वजह है सुलह नहीं हो पा रही, मे बी देर कुड बी अ रीज़न ऑफ अ थर्ड पर्सन। ये कुछ ही लिब्रास के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर ऑल दी लिब्रास, बट कुछ लिब्रास एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। अब ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ऑफकोर्स कोई थर्ड पार्टनर हो सकता है, या इट कुड बी ऑल्सो एनी बडी फ्रॉम देयर फैमिली ऑल्सो, सो इट कुड बी थर्ड पर्सन एनी बडी, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इसे रेजिस्ट या उसे यू नो कन्फ्यूज कर रही है, उन्हें रास्ता नहीं दिखा पा रही। तो ये एक सिचुएशन हाईलाइट होती है जहाँ पे एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इन्फ्लुएंस है, या आप ये भी कह सकते हो कि मे बी कुछ करियर इशूज़ हैं, मे बी उन्हें स्पेस चाहिए अपने करियर के लिए, मे बी वो अपनी कंट्री चेंज करने वाले हैं, मे बी वो अपनी सिटी चेंज करने वाले हैं, इसीलिए भी ये फीलिंग्स हो सकती हैं कि वो आपसे दूर जाने वाले हैं अपने काम के लिए। एंड यू आर एंड ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो सकती है लिब्रा, बिकॉज ये हो सकता है कि आप दोनों साथ में थे बहुत टाइम तक, अब कुछ वजह से आप दोनों को म्यूचुअली अलग होना पड़ रहा है काम के लिए, कंट्री चेंज हो रही है, सिटी चेंज हो रही है, इट कुड बी मेनी मेनी थिंग्स। तो ये एक चीज़, बिकॉज करियर की वजह से भी बहुत सारे ट्रांजिशन दिख रहे हैं आपकी पार्टनर की लाइफ में, ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। इसी के साथ साथ द गुड थिंग इज़ दैट एंड पूरी की पूरी लिब्राज आपकी जो एनर्जीज इन कार्ड रीडिंग आई है कम्प्लीटली शिफ्ट होता है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स से। यहाँ पर जो आप सैड थे, कम्प्लीटली उम्मीद नहीं थी एक रिश्ते की, वहीं आपका आउटकम कार्ड कम्प्लीटली आ गया द टेन ऑफ कप्स। आप दोनों कार्ड में इतना बड़ा एनर्जी शिफ्ट देख सकते हैं जहाँ पे पर्सन इज़ कम्प्लीटली लाइक हम कहते हैं ना कि मतलब कुछ बचा ही नहीं है रिश्ते में, एकदम नेगेटिव और डेड एनर्जीज हैं, और यहीं पे वापस से कम बैक फैमिली कार्ड आ गया है। सो दिस इज़ अ मेजर शिफ्ट। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लिब्राज आगे देखेंगे तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है। रिकन्सिलेशन ऑफ कोर्स, रिकन्सिलेशन होता ही तब है जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है और फिर से होती है, तो हम कहते हैं दिस इज़ अ रिकन्सिलेशन, कुछ एंड होकर वो आपके पास कम बैक हो गए। सो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑफ कोर्स लिब्राज ये एक जनरल रीडिंग है, मैं इसे शॉर्ट ही नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कह देती हूँ फिर नीचे नो ऑल दी लिब्रा स्टार्ट कमेंटिंग कि मैम यू नो थर्ड वीक हो गया, फोर्थ वीक हो गया, नथिंग इज हैपनिंग। हम एनर्जीज के तौर पे बात करते हैं, दुनिया में मिलियंस ऑफ लिब्राज, आई कैन नॉट गारंटी, बट येस जिनके पास तक ये वीडियो पहुँचता है देर इज़ अ रीज़न कि वो ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, एंड मे बी इसीलिए वो कनेक्ट होते हैं बिकॉज ये वीडियो उन्हीं के लिए बना है, पहुँचता भी उन्हीं के पास है। दिस इज़ हाउ टैरो वर्क्स एंड आई हैव बीन इन दिस लाइन फॉर 10 ईयर्स, सो आई नो कि टैरो कार्ड्स का मैसेजेस जिनके पास उन्हें पहुँचाना है ऑटोमेटिकली डिवाइन एनर्जीज डिवाइन वे से उन्हें पहुँच कर उनको हेल्प, उनको मैसेज, उनको गाइडेंस दे सकते हैं। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप न्यू हैं, आप ओल्ड हैं, आप कनेक्ट हुए हैं, सो देर इज़ अ रीज़न फॉर इट। सो वट आई फील लिब्रास के इन दी मंथ ऑफ डिसम्बर में चांसेस सबसे पहली चीज़ तो भैया ज़्यादा है रिकन्सिलेशन के, हो सकता है कि बात हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, बात बन जाए। अब कोई सिचुएशन ऐसी होंगी कि जहाँ पे आपने इतना डीप पेन एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत सारी हो सकती है जहाँ पे कम बैक पॉसिबल ही नहीं है, कम बैक आप चाह के भी नहीं कर सकते, ना वो पार्टी कर सकती है कम बैक, दैट्स ओके, दैट्स टू ओके। हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन हो जाए, आपको कोई मैसेज आ जाए, कोई बात हो जाए, बट फ्रॉम अदर साइड जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑफ अ कम बैक, तो डिसम्बर मंथ में लिब्रास चांसेस आर हाई ऑफ अ रिकन्सिलेशन। बहुत ही कम कार्ड्स में इतना बिग शिफ्ट देखा जाता है, अगेन आई कैन नॉट गारंटी, बट दिस इज़ अ बिग शिफ्ट लिब्रास प्लस द कार्ड ऑफ रिकन्सिलेशन। ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिकेट करती हैं कि आप जो पेन, जो एंडिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, या आप समझ लो रिलेशनशिप में अगर किसी चीज़ की लड़ाई चल रही है, अनबन चल रही है, वो भी ऑटोमेटिकली ठीक होके, सॉर्ट आउट होके दिसंबर के एंड एंड आते आते वो चीज़ ठीक एंड बेटर हो सकती है। सो इसीलिए चांसेस आर वेरी हाई फॉर दिस। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी एक और चीज़ इंडिकेट करता है विद दिस रिकन्सिलेशन कार्ड, दैट इज़ सपोज आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप एक एंड हुआ है एंड यू हैव मेट अ न्यू पर्सन। एक रिलेशनशिप आपके एंड होने के बाद में आप न्यू न्यू एक पर्सन से कनेक्ट हुए हैं, सो मे बी चांसेस आर हाई कि जिस आपके एक रिलेशनशिप एंड होने के बाद में जिस न्यू पर्सन से आप मिल रहे हो, कनेक्ट हो रहे हैं, डीप कनेक्शन आपको फील हो रहा है, मे बी दैट इज़ द मेन पर्सन, यू कैन कॉल हिम लाइक इनके साथ शायद आपकी डेस्टिनी आ गई और अच्छे से लिखी है, एंड यू विल फील दैट। सो डोंट वरी, आप एकदम से जज ना करने लग जाएं कि नो ये है कि ये है, मेरे से बात करो ये है, डोंट टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज जिनसे कनेक्शन होते हैं उनके बारे में सोचा नहीं जाता, वो कनेक्शन हो जाता है। सो रिकन्सिलेशन उनके साथ भी बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है ऐसे रिलेशनशिप्स में जहाँ पे जस्ट आप पेन में होते हो एंड कोई पर्सन आके आपको सपोर्ट देता है, एक न्यू पर्सन आके, इवन दैट हैज़ अ कार्मिक कनेक्शन फॉर यू ऑल्सो। आई नो
सुनने में बहुत डीप टॉक्स लगते हैं, बट दैट्स हाउ टैरो वर्क्स. सो लिब्रास, आपके लिए सबसे पहली चीज़ ऑफकोर्स ये हाइलाइट होती है कि इन द बिगिनिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ पेन एंड अ स्ट्रेस. उसी के साथ साथ एंड आते आते आप या तो स्टेबल हो जाओगे, या समझ लो कोई भी पार्टी आपके आसपास नहीं आती है, स्टिल बाय द एंड ऑफ, अगर मैं एनर्जेटिकली भी बात करूँ, किसी पर्सन का आना जाना आप अगर छोड़ देते हो, तो फिर भी आपकी अगर इतनी डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं इन दी बिगिनिंग, तो एंड में आते आते आप उसे पॉजिटिवली देख लोगे, समझ जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, उतना स्ट्रेस में नहीं रहोगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होकर आप स्टेबलाइज हो जाओगे. सो ऑल ओवर स्ट्रेस से रीडिंग शुरू होते होते कम्प्लीटली पॉजिटिव आउटकम में आ गई है. सो आई लाइक दैट इन दिस रीडिंग लिब्रास फॉर यू. सो दिस इज़ वॉट आई कैन सी. अब अगर सिंगल हैं, ऑफ कोर्स अगर सिंगल हैं तो अट्रैक्शन पैशन फील कर सकते हैं, स्पेशली इन योर वर्क एरिया में आप किसी के लिए फील कर सकते हो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, एंड कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यस, ये मंथ में रिकन्सिलेशन सॉर्ट आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं उस रिलेशनशिप के. मैरिड हैं और अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या कोई ना कोई एंडिंग्स हो गई हैं, या मान लो कई बार मैरिज में रिलेशनशिप को डाइवोर्स तक भी बात कर लेते हैं, छेड़ देते हैं, फिर से हम उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से भी हीलिंग या सुलह होने की बात हो सकती है. इसके चांसेस एनर्जी ज़्यादा बहुत है लिब्रास इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सो मुझे एक्चुअली कहने की ज़रूरत नहीं होती, कार्ड्स की इमेजेस और एनर्जीज ही इतना बखूबी बता देती हैं कि हम वो चीज़ आपको डिलीवर करते हैं. सो लिब्रास, दिस इज़ द मेन हाईलाइट एनर्जी फॉर यू दैट आई कैन सी. ऑल ओवर सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो नेगेटिव से शुरू होते होते पॉजिटिव एनर्जीज में टर्न अराउंड हो रही है. अब वो यू नो यूनिवर्स के ऊपर है कि वो आपको सुकून, स्ट्रेंथ, करेज, पॉजिटिविटी किस वे से देते हैं. कई बार होता है हम देखते हैं कि यू नो क्लाइंट्स जब आते हैं तो वो खुद ही उस चीज़ को इतना पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर चुके होते हैं जो भी उनकी लाइफ में हुआ होता है, तो वो कहते हैं कि मे बी हमें डिवाइन ने वो ताकत दी, हमें वो ग्रेस दिया कि हमने उसे उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लिया. सो इट कुड मीन दैट ऑल्सो. तो इसीलिए मैंने कहा 10 of Swords से कम्प्लीटली इतना पॉजिटिव कार्ड आना, दिस हैज़ अ डेस्टिनी, दिस हैज़ अ पर्पज़, वट आई कैन सी. नाउ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिब्रास कि आप इस सिचुएशन से, इस रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हो, कितना रिलेट हो पाए हो, क्या सिचुएशंस हैं. सो देन आई वुड लाइक टू नो एंड लव टू नो. थैंक यू सो मच.